गुड मॉर्निंग क्लास 9th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सेकंड तक हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था कवर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी के। हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी, देन ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी। तो ई एफ जो है लाइन वो सी डी के साथ परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। जी ई डी एंगल 126 डिग्री का है, जी ई डी ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये 126 डिग्री का एंगल है। नाउ आपको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड ये थ्री एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए टू सॉल्व इस तरीके से हेडिंग डाल के, ये कंप्लीट एंगल है जी ई डी 126 डिग्री का गिवन है। हम ब्रैकेट में साइड में लिखेंगे कि ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। नाउ जो जी ई डी एंगल है इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक तो पार्ट बनेगा जी ई एफ एंड सेकेंड इज एफ ई डी, तो ये दो पार्ट हो गए। नाउ एफ ई डी एंगल तो हमें पता है ना 90 डिग्री है, क्योंकि ई एफ जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो 90 लिखा, साइड में रीजन लिख देंगे, 90 डिग्री उधर जाके माइनस हो गया, तो जी ई एफ की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो एक एंगल तो हमारा निकल गया जी ई एफ। नाउ ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी सी डी के साथ पैरेलल है, एंड जी ई इज अ ट्रांसवर्सल, ये जो जी ई लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देखिए ए जी ई इक्वल होगा जी ई डी के, ए जी ई मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा जी ई डी मतलब इस कंप्लीट एंगल के। कैसे, ऑब्वियस है कि ये इस तरफ है ऊपर और ये दूसरी साइड है नीचे की तरफ, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, तो यहाँ रीजन आ, और ये दूसरी साइड है नीचे की तरफ तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, तो यहाँ रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। नाउ ए जी ई भी कितना हो गया 126, तो टू एंगल्स निकल गए, ये भी निकल गया। नाउ एफ जी ई देखिए कहाँ है एंगल, एफ जी ई, सो इट इज़ वेरी सिंपल कि जो एफ जी ई एंगल है वो ये ए जी ई एंगल के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो ए जी ई की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 180 में से माइनस करके, इस तरीके से आप लिखेंगे ए जी ई प्लस एफ जी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। अब ए जी ई 126 है, 126 तो जाके 180 में से माइनस होगा, तो एफ जी ई की वैल्यू भी आ जाती है 54। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दे रखा है पी क्यू पैरेलल एस टी के, जो डॉटेड लाइंस हैं ये आपको आपकी बुक में फिगर में नहीं गिवन है, तो देखिए आपको दे रखा है जो एस टी है वो पी क्यू के साथ पैरेलल है, और पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल 110 का है, साथ में दे रखा है आर एस टी, आर एस टी ये वाला एंगल 130 का है। तो मैंने क्या किया है, जो एस टी लाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया पी क्यू तक कि ये उसके अकॉर्डिंगली आए, उसकी सीध में आए, तो ये इसको आर ले लिया, पॉइंट आर तक एक्सटेंड किया, पी क्यू को टी तक एक्सटेंड कर दिया, इस पॉइंट को ले लिया यू, और एक लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे एक्स वाई आर में से पास होती हुई जो कि पी क्यू और एस टी दोनों के साथ पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एक्सटेंड किया एस टी को आर तक, पी क्यू को यू तक, और साथ में एक लाइन ड्रॉ की है एक्स वाई के, एक्स वाई जो थ्रू आर में से होके जा रही है और वो पैरेलल है पी क्यू जो अब एक्सटेंड होके पी यू बन गया है उसके साथ, और आर टी के साथ, इन दोनों के साथ ये लाइन पैरेलल है। आपको फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, क्यू आर एस ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट, ट्रांसवर्सल है यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो अगर ये 110 है तो ये पूरा एंगल भी 110 होगा अल्टरनेट इंटीरियर। देखिए पी क्यू आर इक्वल होगा क्यू आर वाई के, क्यू आर वाई इस कंप्लीट एंगल के, तो ये बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर। तो क्योंकि पी क्यू आर 110 है वैल्यू पुट की, तो क्यू आर वाई भी हो जाता है 110। अब देखिए आगे आर टी पैरेलल है एक्स वाई के साथ, ये आर टी लाइन एक्स वाई के साथ पैरेलल है, और एस आर इसका क्या है ट्रांसवर्सल, एस आर या आर एस ट्रांसवर्सल है, तो देखिए टी एस आर और एस आर वाई 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर यहाँ जिसे हम कहते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये वाला एंगल और ये इतना एंगल, ये दोनों क्या होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यहाँ आप कह सकते हैं को इंटीरियर। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने कि जो आपका ये वाला एंगल है ये 130 डिग्री का एंगल है, टी आर एस इसकी वैल्यू पुट की, टी आर एस बच क्या जाता है आपके पास एस आर वाई, तो टी आर एस की वैल्यू पुट की 130, 130 उधर जाके माइनस होगा, तो एस आर वाई आ जाता है 50। नाउ आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, हमारा ऊपर निकला था कि क्यू आर वाई 110 है, इससे ऑल्टरनेट इंटीरियर ये पूरा 110 है जिसमें से ये आपका निकल चुका है 50, तो 110 में से 50 माइनस होगा तो क्यू आर एस निकल जाएगा जो आपको चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा क्यू आर वाई है 110, क्यू आर वाई को ओपन अप कर दिया, ब्रेक कर दिया, क्यू आर एस प्लस एस आर वाई 110, एस आर वाई की वैल्यू पुट की यहाँ से 50 डिग्री, 50 उधर जाके माइनस हुआ, क्यू आर एस की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। तो यहाँ तक कि आपके क्वेश्चन फोर तक हो गया है, इसके आगे वाले क्वेश्चंस भी होने इसी तरीके से, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, अगर हो जाए तो द बेस्ट है, ना हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाई दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।